क्या आप अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम के प्लेयर से परेशान हैं? क्या आपके टीम की 100 मिलियन की साइनिंग जरूरत आने पे 6000 वाला काम कर रही है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी के नाम पे डाइविंग और फिनिशिंग के नाम पे क्या आपका स्ट्राइकर आपका क्लब फिनिश कर रहा है? तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हम आपके लिए लेकर आए 110% ट्राइड एंड टेस्टेड ब्राजीलियन जींस के साथ फवेला की गरीब गलियों से मटमार जूनियर 99 ड्रिबलिंग 98 बॉल कंट्रोल 99 फिनिशिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीमेल फ्रेंडली। ये प्लेयर कितना बढ़िया है, इसका अनुमान तुम इसी से लगा सकते हो कि सिर्फ 22 साल की उम्र में इस प्लेयर को मैराडोना से कंपेयर किया जाता है। तो अपनी टीम की हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में आज ही इस प्लेयर को साइन करें इन ओनली 200 मिलियन यूरोस। इस प्लेयर को साइन करने के लिए डायल कीजिए 011-2553-2553। फुटबॉल तुम्हारे और मेरे जैसे लाखों लोनली लोंडो का सहारा। हम फैंस का फुटबॉल सबसेशन इज एज डेंजरस एज रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की दिस सीजन फॉर बार्सिलोना। पर आज तुम्हारा प्यारा टट्टू हर बार की तरह तुम्हें वीकली फुटबॉल की खबरें नहीं सुनाएगा थोड़ी सी बकचोदी के साथ, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं एक काफी वाइड टॉपिक। योर मॉम्स फैड फुटबॉल हैज चेंज्ड फॉर वर्स शायद से। तुम्हें पता होगा आजकल कैसे हर दूसरा फुटबॉल फैन ये बात कर रहा होता है कि फुटबॉल बदल गया है, फुटबॉल बहुत बदल गया है, अब पहले जैसा फन नहीं रहा इस गेम में, अरे ये गेम चेंज हो गई है। एंड हम इन सारी बातों को नॉस्टैल्जिया का 14 बोल के इरेडिकेट कर देते हैं। तो क्या फुटबॉल की गेम सही में चेंज हो गई है? क्या ये गेम सही में पहले की तरह फन नहीं रही है, या अगर चेंज हुआ है तो इट इज फॉर द बेटर? ये सब कुछ हम आज इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब फॉलो रिपीट। भाई बहुत टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ, हाउ डू फक डू ये कैसे होता है। फुटबॉल में पिछले कुछ सालों में जो चेंज आया है उनमें ये चार सबसे बड़े चेंज मैंने नोट डाउन करे, लेकिन उन पे आने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि क्या फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर एक डाउनफॉल आया है। तो उसका आंसर है हाँ, हाँ भैया आया है। एंड मैं यहाँ पर बात सिर्फ फुटबॉल एज अ गेम की नहीं कर रहा, बल्कि एंटायर फुटबॉलिंग वर्ल्ड की कर रहा हूँ। जी हाँ, वही फुटबॉल की दुनिया जो है गोल। मैं रात को बजा तो तेरी मम्मी का। फुटबॉल हैज लॉस्ट इट्स पर्सनैलिटी, दैट इज व्हाट आई जेन्युइनली फील लाइक। एंड ऑब्वियसली तुम इसके साथ डिसएग्री करोगे, बट फर्स्ट हियर मी आउट। एक टाइम था जब फुटबॉल के जूतों की रिलीज से लेकर फुटबॉल के किट्स तक हर चीज की एक नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट रहती थी। तुम फुटबॉल का बूट कल्चर ही देख लो। एक टाइम पर फुटबॉल फैंस सिर्फ फुटबॉल के जूतों को लेकर घंटों घंटों डिस्कशन कर सकते थे। मर्क्यूरियल, मजिस्टा, सुपरफ्लाई, F50, इन सारे जूतों की फोटोज में पूरा दिन चाटता था अपने फोन के अंदर। इनकी एड्स से लेकर इनके कमर्शियल, इनके नए वेरियंट, हर चीज की डिफरेंट हाइप होती थी। और आज के टाइम पे लूना कोपा सेंस पॉइंट 2, हु केयर्स। फुटबॉल से रिलेटेड एड यूज्ड टू बी सो लेजेंडरी एट वन टाइम। जोगा बोनितो वाली सीरीज, विनर स्टेज, द लास्ट गेम, लेजेंड्स ऑन बोर्ड, सर्फर्स वाली पेप्सी वाली एड। एंड अब पिछले इतने सालों में जो इकलौती एड ने मुझे थोड़ा सा इरेक्शन दिया, दैट वाज नाइकी वर्ल्ड कप एड, एंड वो खुद नॉस्टैल्जिया पे खेल रही थी। भाई तुम वर्ल्ड कप के गाने तक उठा लो, वी आर द चैंपियंस, कोपा दे ला विदा, वाका वाका, वेव इन फ्लैग्स, वी आर वन, और उस सबसे अब हम लोग आ चुके हैं। बहनचोद इसका मतलब भी क्या है? अगर मैं ये गाने पार्टी में बजा दूं ना तो उनमें से 90% लोगों को आइडिया भी नहीं लगेगा कि ये फुटबॉल थीम सॉन्ग है। दिस सॉन्ग इज अ हिडन जेम एंड दे शुड हैव केप्ट इट हिडन। चाहे तुम फुटबॉल की गेम्स देख लो भाई, एक टाइम था जब फीफा पीक्ड, पेस पीक्ड, मोबाइल फोन के अंदर फुटबॉल की गेम्स पीक अराउंड 2015-16-17, एंड अब FC24 इज द मोस्ट हेटेड गेम इन द फीफा कम्युनिटी। बट ठीक है, एट द एंड हो सकता है तुम बोलो कि ये सारी तो बहुत पर्सनलाइज चीजें हैं, इनका फुटबॉल से क्या लेना देना। हो सकता है किसी को आज वाले जूते पसंद आ रहे हो, आज वाली एडे पसंद आ रही हो, ये टुकी टुकी टाका पसंद आ रहा हो। लाइक आई वोंट बी सरप्राइज अगर कोई मेडिसिन बियर के ऊपर गॉलॉक को चूज करेगा, बट दैट्स द रियलिटी इन माई ओपिनियन। फुटबॉल वर्ल्ड की पर्सनैलिटी इज फेडिंग अवे। लेकिन लेट्स कम बैक टू फुटबॉल द गेम इटसेल्फ। एंड मैंने जैसे तुम्हें बताया था ये चार पॉइंट्स हैं, जरा अब इनकी बातें करते। तो द नंबर वन थिंग इज ऑब्वियसली मनी, पैसा। वही चीज जो यूनाइटेड को उड़ाना नहीं आता और बार्सिलोना को बचाना नहीं आता। अब इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि फुटबॉल के अंदर पैसे की अहमियत काफी पहले से बहुत ज्यादा थी। जिस टीम के पास ज्यादा पैसा था वो अच्छे प्लेयर्स को ज्यादा पैसा दे के अपने पास बुला सकती थी। इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द बिगिनिंग। लेकिन अब जिस तरीके से पैसे का इन्फ्लुएंस स्पोर्ट के अंदर आ चुका है, ये इससे पहले कभी नहीं आया। एंड फुटबॉल के अंदर जो पैसा भी इन्वॉल्व है उसको देखने के दो तरीके हैं, प्लेयर पर्सपेक्टिव से और टीम पर्सपेक्टिव से। अगर मैं पहले प्लेयर पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मेरा मानना यह है कि पहले के टाइम पे ये होता था कि एक प्लेयर एक सर्टेन लेवल का फुटबॉल खेलता था एंड फिर उसकी फुटबॉल को जस्टिफाई करते हुए उसकी एक ट्रांसफर मार्केट के अंदर वैल्यू लगती थी। आज के टाइम पे पहले प्लेयर्स की थोड़ी सी ही फुटबॉल के बाद ट्रांसफर मार्केट के अंदर एक वैल्यू लग जाती है एंड फिर उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस ट्रांसफर मार्केट वैल्यू को जस्टिफाई करने लायक फुटबॉल खेले। इसका मैं तुम्हें एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूं।
ओह वाह दैट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग, आप तो बहुत अच्छे पेंटर हैं, आप तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ओह थैंक यू सो मच। ये दीजिए, ये 1 करोड़ रुपए है, आप ये सेम पेंटिंग मेरे लिए बना दीजिए। ओह ये शो वेट ये लीजिए। ओह वाह ब्यूटीफुल, यही चाहिए था मुझे। वाह थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह वाह वाह वाह, तुम आगे जाके बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, तुम्हें पता है यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट पेंटर्स इन द वर्ल्ड। ये लो 1 करोड़ रुपए एंड मेरे को पेंटिंग बना के दो। एक सेकेंड, ये लो। हैं ये क्या है माधरचोद, अभी मुझे इतना ही आता है, अभी इतना ही आता है, ये क्या बात हुई? अबे 1 करोड़ रुपए दिया ना मैंने तेरे को, ये क्या फुद्दू बात कर रहा है? अभी तो और आने भी तो चाहिए, मैंने थोड़ी बोला था मुझे 1 करोड़ रुपए दो। अब तो दो ऑब्वियसली, अब ज्यादातर टीम्स के बाद कोई चारा नहीं बचा, मार्केट इतनी इन्फ्लेट हो चुकी है कि उनको कंपटीशन करने के लिए इन प्लेयर्स के ऊपर जल्दी से इतना सारा पैसा लगाना ही पड़ता है, बट एट द एंड ये सारा प्रेशर इन प्लेयर्स को सहना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू दैट्स अ फैक्ट कि एंटनी को खुद पता है वो 100 मिलियन के लायक नहीं है, बेचारा छपरी मेरा। एंड फिर अगर हम बात करेंगे टीम्स या फिर लीग के पर्सपेक्टिव से इन्वॉल्व पैसे की, तो उसका गैप अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इट इज प्रीटी क्लियर कि आज के टाइम पे कोई भी फुटबॉल टीम के पास अगर फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी कॉम्पिटिशन में कंटेस्ट नहीं कर सकती। एंड ये से बोलने की बातें हैं कि पैसा एक्चुअली ब्रिंग्स कॉम्पिटिशन टू द लीग, तुम प्रीमियर लीग को ही देख लो भाई, मैन सिटी के आने के बाद से द ओनली टीम्स दैट आर एबल टू कम्पीट एक मिड लेवल से दैट इज न्यूकासल, जिनको खुद एक फाइनेंशियल बैकिंग मिली है। तुम यूरोप के टॉप 5 लीग ही देखो, एंड उनके अंदर जो एक लीग पिछले 5 सालों में बहुत मामलों में ओपन है और काफी डिफरेंट टॉप 4 कंटेंडर्स और विनर्स है, दैट इज सीरिया, एंड वो पिछले 5 सालों से फाइनेंशियल दिक्कतों में चल रही है। तो इट्स लाइक अगर तुम्हें जेन्युइनली एक फेयर कॉन्टेस्ट चाहिए तो जस्ट मेक श्योर कि सारे के सारे क्लब्स कंगले। इसी के साथ हम लोग दूसरी चीज के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज गोइंग टू बी रूल्स। सत्यानाश कर दिया मेरी गेम का। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू ऑल, जिस तरीके से फुटबॉल के अंदर रूल्स बदल रहे हैं ताकि ज्यादा ज्यादा गोल पड़ पाए, बहुत दूर नहीं है उस दिन से जहां पे गोलकीपर्स को बॉक्स से बाहर आना अलाउड नहीं होगा। तो पेनल्टी से रिलेटेड रूल्स ही देखो, फॉर एग्जांपल गोलकीपर किक टेकर के साथ ट्रैश टॉक नहीं कर सकता, गोलकीपर पोल्स को नहीं छू सकता, गोलकीपर लाइन से आगे नहीं आ सकता, लेकिन किक टेकर वो तो चाहे गोलकीपर की किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आई कंप्लीटली गेट इट कि वर्ल्ड कप के अंदर एमिलियानो मार्टिनेस को ट्रैश टॉक करता देख के बहुत लोगों को गुस्सा आया, बट दैट इज पर्सनालिटी, दैट इज द ह्यूमन पार्ट ऑफ फुटबॉल। आने वाला ऑफसाइड रूल इज गोइंग टू मेक थिंग्स इवन मोर इजियर फॉर स्ट्राइकर्स, एंड इस सारी सिचुएशन में जो एक आर्ट खो रही है दैट इज द आर्ट ऑफ डिफेंडिंग, क्योंकि थैंक्स टू वार अब जेन्युइनली दुनिया में किसी रेफरी को भी नहीं पता कि क्या पेनल्टी है और क्या नहीं है। यू नो कैसे सब लोग बात करते हैं मालडिनी, विडिच, नेस्टा, अर्ली एज में सर्जियो रैमोस की, इन डिफेंडर्स की, आई डोंट थिंक कि अब तुम्हें इतने क्लासी और इतने रूथलेस डिफेंडर्स देख पाएंगे, क्योंकि एट द एंड वो बॉक्स के अंदर अगर किसी भी ओपोनेंट को गलती से छू भी देंगे तो वार स्लो मोशन में ऐसा दिखाएगा जैसे उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। तुम अभी बस जाके 10-15 साल पहले की फुटबॉल की क्लिप देखो, फुटबॉल प्लेयर्स लेजिट एक दूसरे को खून कर रहे, चक्कू मार रहे एक दूसरे को फील्ड के ऊपर, एंड रेफरी अनबॉदर्ड। बट यू नो व्हाट वाज द क्लासी थिंग, उस टाइम के ऊपर ज्यादातर प्लेयर्स वर नॉट एक्टिंग लाइक डॉल्फिन्स, एंड आज के टाइम पे जहां पे लेजिट प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है वहां पर प्लेयर्स बिना छुए भी गिर जाते हैं। एंड ये जो पॉइंट है कि प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे रूल्स बनाए जाते हैं, इंजरी रिकॉर्ड्स नीचे नहीं जा रहे हैं, लेट अलोन यंगस्टर्स के अंदर ACL इंजरीज और ज्यादा बढ़ रही हैं। एंड अगर तुम इस दुनिया के सारे फैंस भी एक कमरे में बंद कर दोगे ना, तो एट द एंड कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा कि रेफरीज एक्चुअली में किसको बेनिफिट करते हैं। बट इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है रिस्क, जो मैंने लिया था जब मैंने अपनी सारी जमा पूंजी क्रिप्टो करेंसी में लगा दी थी और अब मैं रो रहा हूं। तो व्हाट डू आई मीन बाय रिस्क, ये जो सारा आर्गुमेंट चलता है कि गेम बहुत मैकेनिकल हो गई है, अब गेम के अंदर टैक्टिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फुटबॉल प्लेयर्स की अपनी क्रिएटिविटी, मेरे हिसाब से फुटबॉल गेम की एज अ टीम एज प्लेयर्स रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम हो गई है। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी रिस्क फ्री एट दिस पॉइंट इन फुटबॉल, एवरीथिंग हैज टू बी बैक्ड बाय स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग हैज टू बी प्रूव्ड ऑन ग्राफ्स, एंड फुटबॉल इज नो मोर अ गेम ऑफ आई, जो कि कुछ नजरियों से सही भी है टू बी ऑनेस्ट। अब गेम के अंदर ऑल ओवर टैक्टिक्स का इंक्लूजन काफी ज्यादा बढ़ चुका है एट लेवल, बट इससे इंडिविजुअल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट, देयर क्रिएटिविटी एंड देयर फ्रीडम हैज बीन शट ऑफ। अब ऑब्वियसली इसके लिए कोई स्टैट नहीं होता कि फुटबॉल के अंदर क्रिएटिविटी या स्किल लेवल किस हिसाब से नीचे गया पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन एक बहुत डम तरीका है ये चीज देखने का। यू रिमेंबर बैक इन द डेज, तुम स्कूल से वापस आते थे एंड सबसे पहली चीज जो तुम करते थे वो थे यूट्यूब पे जाके फुटबॉल स्किल कॉम्पाइलेशन देखना। डू द वेरी सेम थिंग इन टुडेज डे, आई मीन तुम जाके देखो 2015 और आज के टाइम की स्किल कॉम्पाइलेशन, तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां पहले के जमाने में वो लोग एक स्किल एक बार दिखाते थे एंड दैट वाज सपोज्ड टू बी अ वर्ल्ड क्लास स्किल, आज के टाइम पे ये लोग कट बिहाइंड बैक पास को इतना हाइप करते हैं जैसे उसने 10 लोगों का एक बारी में पाना काट दिया। मुझे पता है ये मेरी पूरी इस वीडियो का शायद सबसे वीकेस्ट आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन आई जेन्युइनली मीन इट, इससे तुम्हें डिफरेंस पता लगेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव गॉट
सोशल मीडिया द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द वर्ल्ड लेट अलोन फुटबॉल द वर्स्ट थिंग अबाउट सोशल मीडिया इज कि आज के टाइम पे वो ज्यादातर लोगों की फर्स्ट डेस्टिनेशन है टू टॉक अबाउट फुटबॉल आई कैन ओनली प्रे अगर आज के टाइम पे बच्चे जेन्युइनली रियलिटी में भी वैसी फुटबॉल डिस्कस करते हैं जैसे वो ऑनलाइन करते हैं यार रोहित कल का मैच देखा तूने हाँ यार ये हॉयलैंड कितना लंड प्लेयर है यार कितना फुद्दू है साला एक नंबर का गुस्सा आ गया उसे देख के मुझे अरे हाँ मैं समझ सकता हूँ बट यार अभी तो काफी यंग है काफी रॉ प्लेयर है वो सीख जाएगा कोई ना आगे जाके चुप मादर चोद चुप एल बॉल नॉलेज अभी मतलब यार तो इतना गुस्सा क्यों हो गया एकदम एल बॉल नॉलेज साला फुटबॉल देखिए तूने आज तक है बे साले रेशियो साले अभी इस पे इतने गुस्सा होने वाली क्या बात है नहीं क्या मेरे से कैसे डिसएग्री कर रहा है भोसड़ी के साले बाल झड़ रहे ना तेरे बता दूंगा पूरे स्कूल में बता दू प्रियंका को बता दू तेरी बंदी को बता दू तेरे बाल झड़ रहे पूरे स्कूल में फैला दूंगा बात तेरा बाप तेरी माँ को 2 रुपए के मारता है बहन के सोशल मीडिया के ऊपर मेरे हिसाब से कोई भी जेन्युइनली फुटबॉल डिस्कस करने जाता नहीं है वो बस ये प्रूफ करने जाते हैं कि उन्हें दूसरे बंदे से ज्यादा फुटबॉल पता है विच मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस क्योंकि तुम दोनों ही अपने घर पे बैठ के मुठिया मार रहे हो द सैडर पार्ट ऑफ ऑल दिस इज कि ये सारे सोशल मीडिया वाले फियास्का को मिल्क करने के लिए अब न्यूज सोर्सेज भी अनटेंशन खबरें छापते हैं एंड तुम जेन्युइनली इस टाइम के ऊपर किसी भी सोर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते आने वाले टाइम में गेम और बदलने वाली है गेम और छोटी हो जाएगी और फास्ट पेस्ड हो जाएगी और ज्यादा कमर्शियल हो जाएगी एंड ऑल दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन तो फिर आखिर में तुम ये सोचोगे कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं एंड द आंसर इज क्योंकि मैं वेला हूं भाई तू देख रहा है आजकल फुटबॉल मतलब तू समझ रहा है पूरी गेम ना भाई रोबोटिक हो गई है वो स्किल वो आर्टिस्ट्री यार टाइम याद है तूने फन वाली गेम कब देखी थी अब हर गेम सेम है भाई यार वो फन निकल गया फुटबॉल में से भाई एक मिनट भोसड़ी के सुन मेरी बात कुछ काम वाम कर कुछ इससे घर नहीं चलेगा सारा दिन तो फुटबॉल 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 ये वो ये पास टिकी टक क्या करेगा भाई कोई काम धंधा ढूंढ कुछ पढ़ाई लिखाई कर कुछ डिग्री विग्री ले देश को संभाल पर भाई पेड्री को इतनी यंग एज में क्या क्या भाई क्या यंग एज कौन पेड्री क्या इंजरी क्या तेरे फूफे का लड़का नहीं फिर अरे भाई यार पर तू समझना यार मेरे को अबे भाई गाड़ी और आके चोदे प्लीज ठीक है भाई